दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मेरा फेवरेट फ्रूट जिसको शरीफा बोलते हैं, जिसको हम लोग बंगाल में आता बोलते थे, सुगर एप्पल या स्वीट सॉप या कस्टर्ड एप्पल के नाम से बड़ी फेमस है। आपको मालूम है ग्रीन सा होता है, हर वक्त बाहर से ग्रीन ही दिखता है, अंदर वाइट कलर का पल्प होता है और उसके अंदर काला रंग का बीज होता है। ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट एशिया, इंडिया में ये फ्रूट काफ़ी पाई जाती है। हार्ट शेप्ड होता है इसलिए इसको बुल्स हार्ट भी बोला जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या मालूम है, इसमें तीन चीज़ होती है, एक तो पिल होता है जो बाहर का पार्ट है, एक पल्प होता है, एक सीड्स होती है, और 45% इसमें आप खा सकते हो, 55% फेंकना होता है, मतलब 100 ग्राम में 55 ग्राम ही आपके पास पहुंचेगा। इसकी जो बोटानिकल नेम है वो है एनोनास्कॉमोसा, और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मैं आपको बता दूं, अगर 100 ग्राम आप खाते हो तो उसमें 101 कैलोरी होता है, कार्बोहाइड्रेट करीब 25 ग्राम है, प्रोटीन 1.7 ग्राम, फाइबर अच्छी खासी होती है 2.4, विटामिन सी, पोटेशियम काफ़ी होती है 382 मिलीग्राम। अच्छा, कस्टर्ड एप्पल के फायदे क्या क्या है? देखिए, एक तो हार्ट की तरफ से बहुत बढ़िया माना जाता है क्योंकि ये फाइबर की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और ये हार्ट अटैक स्ट्रोक में भी फायदा करता है। अच्छा, डायबिटीज़ में बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं करता, फायदा भी नहीं करता है। इसका जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है 54 है, विच मीन्स बहुत ख़राब नहीं है, थोड़ा बहुत अमाउंट में कोई ले सकता है, पर क्योंकि बहुत मीठा है तो मैं डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसे हर वक्त मिलती भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर सीजन में हर वक्त मिलता है। अच्छा, इसमें और क्या क्या फ़ायदा है एक अगर हम लोग देखने जाते हैं तो ये देखा जाता है कि इसमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, पर इसमें एनर्जी काफ़ी मिलती है। जिसको भी कभी एनर्जी चाहिए तो ये खाना लिया जाए। इसमें फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है जो बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें आयरन होता है जिससे एनीमिया ना हो और वीकनेस लेथर्जी को भी कम करता है। अच्छा, ब्रेन की एक्टिविटी को बड़ा फ़ायदा करता है। इसमें विटामिन बी होती है जो हमारे ब्रेन फंक्शन को अच्छा करता है, हमारे ब्रेन को स्टिमुलस दे के रखता है, नर्व की सिग्नलिंग को अच्छा करता है, सैडनेस डिप्रेशन में भी मदद करता है। अच्छा, आई हेल्थ के लिए कस्टर्ड एप्पल अच्छा इसलिए माना जाता है कि इसमें विटामिन ए बहुत अच्छा अमाउंट में होता है और इसके संग इनका ब्लड सर्कुलेशन भी बॉडी का बढ़ाता है, ऑप्टिक नर्व्स को हेल्दी रखता है, तो ये आंख के लिए भी अच्छा माना जाता है, मैक्युलर डिजेनरेशन और ग्लूकोमा में भी फायदा करता है। अच्छा, बाउल के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये कस्टर्ड एप्पल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इंटेस्टिन को हेल्दी रखता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखता है, फाइबर होने की वजह से हमारे स्टूल को कब्ज से दूर रखता है, तो ये सारे फायदे तो है ही हैं। अच्छा, इसके लिए कस्टर्ड एप्पल में विटामिन बी है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी मदद करता है, हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस उसको अच्छा करता है। अच्छा, इम्यून सिस्टम के लिए भी कस्टर्ड एप्पल जो है बहुत फ़ायदा करता है शरीफा। इसमें विटामिन सी होती है जो हमारे टॉक्सिन्स को भी दूर करता है और एंटीऑक्सीडेंट का नाम है इसमें। अच्छा, बोन के लिए भी फायदा है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस होता है और विटामिन के होता है, तो इससे बोन्स को वीकनेस से दूर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। तो दोस्तों, ये जो कस्टर्ड एप्पल है मेरी फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट होगी, इसको आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैट इसमें खास कुछ है नहीं, बस डायबिटीज नहीं हो तो आप खाइए, और बहुत ज्यादा मोटे हो तो 2 के जगह 1 खाइए, तो इसको आप जरूर खाइए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है, आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी के। इंडिया भर में हमारे क्लिनिक्स हैं और करीब 5.5 लाख लोगों को हम लोग ने हार्ट की बीमारी से ठीक रखा है। मैं चाहता हूं आप हमारी हार्ट के वाले वीडियोस जरूर लोगों को रेफर करें, अगर उनको समझ आएगा तो जरूर हमारे पास वापस आएंगे और हमसे और भी कुछ क्वेश्चन पूछें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।